यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। एक ओर जहां प्रशासन शहर में अपनी चौकसी के बखान करती है, तो वहीं राजधानी के पौश इलाके में ऐसी घटिया हरकत पुलिस की आंखों के नीचे चल रही थी और उन्हें कानो कान खबर नहीं लगी। दरअसल शहर के पौश इलाके से बड़ी संख्या में विदेशी युवतियां पकड़ी गई हैं। पुलिस की छापेमारी में शहीद पथ स्थित मेदांता अस्पताल के पास स्थित अलकनंदा एनक्लेव में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसके बाद ये भंडाफोड़ हुआ है। वहीं इस छापेमारी के दौरान कई विदेशी युवतियों को हिरासत में लेकर पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। अलकनंदा एनक्लेव के एक पदाधिकारी ने बताया कि ऐसी घटना पहली बार सामने आई है। हालांकि काफी दिनों से ये सब हो रहा था, लेकिन आज पकड़े गए हैं। उन्होंने बताया कि किसी के घर पर किराएदार ने हंगामा किया था। उसके परिवार वाले इससे परेशान हो गए थे। जब उससे बात करने की कोशिश की तो देखा कि वो आदमी शराब के नशे में मस्त था। नशे में वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। इसी के चलते पुलिस को सूचना दी गई। बाद में इनके घर से कुछ विदेशी महिलाएं भी मिली। ये महिलाएं ना तो मकान के मालिक हैं और ना ही किसी की महिला मित्र हैं। वो सभी यहाँ देह व्यापार कर रही थी। और मेरे सामने यह घटना पहली बार आई है। हो तो रही है बहुत दिनों से, जैसा देखने में लगा, लेकिन पकड़ा गया आज है। किसी के घर में दारू पी करके किराएदार ने तांडव किया। उनके परिवार काफी परेशान हो गए। हम टहलने जा रहे थे, हल्ला हुआ तो मैं वहाँ आया, देखा तो वो आदमी दारू पी करके मस्त था और अपनी भाषा का दुरुपयोग और अभद्र भाषा का प्रयोग हमारे 102 नंबर कमरे में, जिसमें वो प्रवेश किया था, जिसके बेड पर जाके सो गया था मॉर्निंग में, वो उनसे कर रहा था। ऐसी स्थिति में जब देखा गया, जोर किया गया, 112 नंबर को फोन किया गया, तो पाया गया कि इनके घर में कुछ विदेशी महिलाएं, जिनकी भाषा से ये लग रहा था कि वो हमारे यहाँ की नहीं है, न ही वो टेनेंट है, न ही वो ओनर है, न ही किसी की गर्लफ्रेंड है, देह व्यापार के रूप में यहाँ थी और अभद्र रूप से उपस्थित हुई। एक बाहर निकली जिसका कपड़ा भी तन पर देखने लायक नहीं था। ऐसे स्थिति में निकट देख करके हम लोग शर्मा गए। फिर देखा गया कि दो लड़कियां उसके अंदर और हैं। इस तरह से यह केस पूरी देह व्यापार की लग रही है। वहीं पुलिस की छापेमारी में कई विदेशी युवतियां और युवक पकड़े गए हैं। ये सभी युवतियां थाईलैंड और नेपाल की बताई जा रही हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए युवक और युवतियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं पड़ोसियों की मांग है कि अलकनंदा एनक्लेव संभ्रांत लोगों का परिसर है। यहाँ बड़े बड़े अधिकारियों के मकान है, इसीलिए इस तरह की घटनाओं पर विराम लगाया जाए। पुलिस प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई करे। अब ये पुलिस प्रशासन के लिए भी एक चुनौती का विषय है कि इस तरीके की घटना आगे फिर कभी न हो। बहरहाल DCP दक्षिणी मनीष जायसवाल ने बताया कि छापेमारी के दौरान किराएदार और उसका मित्र दोनों लोग फ्लैट में मौजूद पाए गए। इसके साथ ही तीन युवतियां भी मिली। DCP दक्षिणी के मुताबिक तीनों ही युवतियां थाईलैंड की रहने वाली हैं। वहीं युवतियों के पास से मिले पासपोर्ट और वीजा की जांच की जा रही है। LIU के अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर कागजों की पड़ताल कर रहे हैं। DCP दक्षिणी मनीष जायसवाल ने कहा, इस पूरी जांच के दौरान जो भी सच निकल कर आएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। आज सुबह करीब 8 बजे सुशांत गोल सिटी थाना क्षेत्रांतर्गत स्थित अलकनंदा अपार्टमेंट के RWA अध्यक्ष द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई कि अपार्टमेंट के ही एक फ्लैट में एक किराएदार के यहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ महिला एवं पुरुष मौजूद हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस एवं महिला पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो फ्लैट में किराएदार और उसका मित्र दोनों वहां मौजूद पाए गए तथा तीन युवतियां जो थाईलैंड की नागरिक हैं वो वहां पर मिली। पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है। जो इन महिलाओं के पास पासपोर्ट और वीज़ा उपलब्ध मिला उसकी जाँच की जा रही है तथा LIU द्वारा भी मौके पर पहुंचकर इन सभी प्रपत्रों को देखा जा रहा है। इस पूरे प्रकरण के जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।